नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में भाजपा 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव हार गई है। 11 सीटों पर हार के कारण जानने के लिए बीजेपी ने मंथन करके एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी को भी सौंप चुके हैं। इसके बाद भाजपा के दिग्गज नेताओं के दिल्ली दौरे से प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। आमेर विधानसभा से सतीश पूनिया चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के प्रशांत शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था। चूरू जिले के तारानगर विधानसभा सीट से राजन सिंह राठौड़ लड़े और वे हार गए थे। राजन सिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा। सतीश पूनिया जाट है और राजन राठौड़ राजपूत नेता हैं। दोनों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के शीर्ष आलाकमान दे सकते हैं। गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजपूत समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। पार्टी ये मान रही थी कि भाजपा को इसका नुकसान राजस्थान में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में भाजपा राजस्थान में राजपूत और जाट को तवज्जो देने में जुटी हुई है। राजस्थान में राजन राठौड़ राजपूत का एक बड़ा चेहरा है। सतीश पूनिया भी दिल्ली गए हैं, वहां पर भी दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।